अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? अच्छा यार, आज जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। आपको बताया था कि रिपोर्ट उससे मैं लेके आया था लेबोरेटरी से, आज उसे चेक करवानी। इसमें दोनों दफ़ा की रिपोर्ट है, जो पहले करवाई, जो उस दिन करवाई है, इस हफ्ते आखिरी हफ्ते करवाई थी। ठीक है, अब दोनों जो है ना, वो जाके डॉक्टर को दिखाता हूँ, देखो वो क्या कहता है। तो देखें, क्योंकि लास्ट टाइम जो डॉक्टर था ना, जिसने चेक किया था, वो ऑपरेशन जिसने करना था वो था, तो उसने यही बोला था मुझे कि रिपोर्ट करवा के लेके आओ, देखेंगे कि अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो पेट के साइड से ना, इस जगह से इंजेक्शन लगा के तो हो जाएगा ठीक। देखो अब क्या डॉक्टर जो है ना मेरे वाला, वो बोलता है अगर रिपोर्ट में ज़्यादा हुआ तो वो बोलेगा ऑपरेशन का। ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे जर्मनी में जो है वो टाइम लेना पड़ता, हर चीज़ के लिए टाइम लेना पड़ता है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो होता ना यार, चलो जाओ जाके डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, हफ्ते में 10 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अच्छा टाइम लेना पड़ता है। तो टाइम जो है वो आज अगर ऑपरेशन का हुआ तो वो फिर ये मुझे दूसरे डॉक्टर का फिर देगा, जिसने ऑपरेशन करता है, फिर उसके साथ बातचीत होगी, वो फिर आगे टाइम देगा। वो कब का टाइम देता है कोई पता नहीं। तो अभी वैसे तो टाइम जो है वो हो गया मेरा निकलने का, 1:40 हो गया, और 2:40 में मेरा टाइम है, और मुझे जाते हुए टाइम भी लगेगा। चले रास्ते में आपसे को दिखाता हूँ कहाँ पर जाना है, क्या डॉक्टर बोलता है आपको बताता हूँ उसमें। अच्छा जी, मेरी बिल्डिंग से जो है वो दो रास्ते निकलते हैं, एक पीछे वाली साइड पे जहाँ पे पिछली दफ़ा आपको दिखाया था, और एक इस साइड से जो है ना ये सामने, यहाँ पे दो बस स्टॉप लगते हैं। तो दोनों बस स्टॉप जो है ना वो, अगर मुझे मेन स्टेशन पे जाना हो तो वहाँ से, अगर डॉक्टर के पास जाना है तो ये पीछे से। सही है, तो काम पे जाने के लिए मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाने के लिए, के दरमियान में दो बस आती हैं। रात को भी जोन सी मुझे मिल जाए काम ख़त्म करके, मैं वो वाली पकड़ के तो आ जाता हूँ। बस ने तो आना था लेकिन पूरी नहीं आई, आके आके फिर ट्रेन पकड़नी पड़ी। अब ट्रेन का एक स्टेशन है, जी ट्रेन से निकला हूँ तो अभी पैदल चलता हुआ ना जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास यहाँ से तकरीबन लगेंगे कुछ 5 मिनट, 5 से 7 मिनट जो है ना पैदल चलते हुए। सही है। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, आप लोगों की मर्ज़ी आगे, कि अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं जर्मनी कैसे आया, कब आया, पहले मैं कहाँ था, क्या करता था, क्या हिसाब किताब सब, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उसके लिए सीरीज़ पूरी शुरू करूँगा अपनी लाइफ की। ठीक है, तो कमेंट्स में जो है ना ज़रूर बताना, लिखना, तो फिर मैं आपको बताऊँगा मैं किस किस प्रॉब्लम से गुज़र के जो है ना यहाँ तक पहुँचा, कैसे कैसे जो रास्ते में मुश्किलें आई। जहाज़ पे बैठ के तो मैं आया नहीं था, आपको सीधी बात बताऊंगा, सच बताऊंगा, जो जो चीज़ होगी तो आगे आपकी मर्ज़ी है। आप सुनना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। सही है। देखो बूढ़ी आंटी जो है साइकिल चल, यहाँ पे पहले ये जो है ना टोयोटा का बहुत बड़ा शोरूम होता था, लेकिन ये कोरोना की क्राइसिस करके ना तो बंद कर दिया उन्होंने, तो उस वजह से जो है ना बंद है। वो सामने रहा ओपल का, मुझे ओपल की गाड़ी पसंद आई थी, ये सामने खड़ी है, लेकिन उसमें कुछ फ्यूचर्स जो थे वो मेरी समझ के बाहर थे, कि उसका मैं इतना हिसाब जो है ना वो सही तरीके से लगा नहीं था पा रहा, ये सामने खड़ी है।
ठीक है, ये ग्रे वाली, ये मुझे पसंद आई थी पहले, लेकिन इसकी कीमत थी 35, सही है, लेकिन 35 में जो है ना, ये थी फुल इलेक्ट्रॉनिक्स थी, तो मैं यही सोच रहा था कि फुल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, बीच में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया कहीं पे, मैं जैसे के घूमता फिरता रहता हूँ दूर दराज इलाकों में, शहरों का मैं शौकीन नहीं हूँ, गाँव वगैरह का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो आजकल थोड़ा सा मैं जो है ना तकरीबन हुआ, गर्मियों में ये होता है कि काम की वजह से जो है वो लगा काम की वजह से टाइम नहीं होता, तो सर्दियों में जो है ना वो मैं ज़्यादातर घूमता फिरता हूँ, लेकिन इस साल जो है ना वो मुझे मुश्किल लग रहा है, पिछले साल भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, ये टांग मेरे की वजह से, सही है, तो आगे का देखो, वो सामने मेरा जो है ना डॉक्टर का है, मैं अभी जाता हूँ अंदर, अंदर जा कर मैं देखता हूँ वो क्या बताता है। निकल आया हूँ डॉक्टर के पास से, चेक किया उसने, उसने देख के ना रिपोर्ट, तो वही चीज़ बोली है कि इतना ज़्यादा नहीं है, तो तुम एक दफ़ा जो है ना इंजेक्शन ले के ट्राई कर लो, अगर इंजेक्शन से सही हो जाता ना तो फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी ऑपरेशन करवाने की, अगर इंजेक्शन से नहीं सही होता तो फिर जो है ना ऑपरेशन कर जाएंगे, और वो इंजेक्शन जो है वो पेट के साइड से लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी में जो है ना वो जाके तो लगाएंगे, उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल में जो है ना टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि वो एक किस्म का छोटा सा ऑपरेशन ही होता उस तरह का ही है, तो नंबर वगैरह दे दिया डॉक्टर का, अभी वो हॉस्पिटल में वो फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके मैं टाइम लूँगा, देखो अब कब का टाइम मिलता है, हफ्ते का मिलता है, दो हफ्ते का मिलता है, कब का मिलता है, जब का वो टाइम देंगे फिर जाके वहाँ पे जो है ना वो इंजेक्शन लगवाऊंगा, इंजेक्शन लगवा के तो फिर आगे देखेंगे सही होता है नहीं होता क्या बनता है। ये जिस जगह पे मैं आया हूँ ये बर्लिन का बिल्कुल एंड है, यानी कि अगर ट्रेन पे जाओ तो अगला स्टेशन जो है वो बर्लिन से बाहर, ठीक है, तो वो जो छोटी ट्रेन चलती है एक शहर शहर के अंदर अंदर, वो बर्लिन ए बी में दोनों हो जाती है, ए बी सी, बर्लिन तीन हिस्सों में डिवाइड है, सही है, तो तीन हिस्सों में जो डिवाइड है उसका यही है कि बर्लिन का जो मिडिल वाला हिस्सा आता है जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो ए में है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बी में आता है, आगे से मेरे घर से यानी कि पैदल 15 से 20 मिनट का रास्ता जो है, 15 मिनट का मैक्सिमम, वो आगे बर्लिन सी शुरू हो जाता है, ये गाड़ियों का शोरूम है, पुरानी गाड़ियाँ भी नहीं लगती हैं, ले भाई 13,900 की लगी हुई है छोटी सी टोयोटा की, मुझे यार अच्छी मिल गई थी गाड़ी, सस्ती मिल गई थी, अच्छी मिल गई थी, चलो